हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप लोग जो है वो अपना मार्कशीट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, साथ में आप लोगों ने एग्ज़ाम में जो OMR शीट को फिल किया था, ठीक है, उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा नया जो आंसर की रिलीज किया गया है, फाइनल आंसर की, उसे कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल में चले जाना है, वहाँ पे झारखंड कंबाइंड के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिजल्ट का ऑप्शन, ओके, इस रिजल्ट के ऑप्शन पे आपको जो है वो क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे एग्ज़ाम सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स 2022 को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर रोल नंबर फिल कीजिएगा, यहाँ पे हम एक रोल नंबर फिल करते हैं, मान लीजिए कोई रोल नंबर है, उसको हम लोग यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। देखिए, सर्च करते ही आपको यहाँ पे जो है वो कोई स्टूडेंट है उसका यहाँ पे रिजल्ट और साथ में OMR शीट जिसे आप लोगों ने एग्ज़ाम में फिल किया था वो यहाँ पे जो है वो आसानी से दिख जाएगा। व्यू में क्लिक करते ही आपका जो है वो यहाँ पर मार्कशीट देखने को मिल जाएगा। इसे आप लोग जो है वो प्रिंट भी कर सकते हो। यहाँ पे ऊपर पे अगर आप देखो कॉर्नर पे, तो यहाँ पे जो है आपको प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, इससे आप लोग जो है वो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट करने पे आपको कुछ यहाँ पे ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा, ओके, और इसे आप लोग जो है वो सेव करके रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो है वो बैक जाने पर OMR शीट भी देखने को मिलेगा। देखते हैं कि यह कैसे आपको दिखता है। देखिए, डाउनलोड हो गया, ओपन करने के बाद जो है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और इसी तरह आप लोगों ने एग्ज़ाम में जो है वो फिल किया था, ओके। तो यहाँ पे दो चीज़ आपको मिल गया, आपका रिजल्ट और आपका OMR शीट। इसके अलावा जो नया आंसर की रिलीज किया गया है उसे आप लोग कहाँ से डाउनलोड करोगे, तो जैसे पिछले बार हुआ था, बैक चले जाइए। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, डाउनलोड सेक्शन पर जाना है। इस डाउनलोड सेक्शन में जाके यहाँ पे अभी जो है वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो रिवाइज्ड आंसर की है अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, लेकिन नोटिस में बोला गया है कि कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी आप लोग शाम तक वेट कीजिए। अगर आप लोग पिछला वाला देखना चाहोगे तो देखिए 33 नंबर आंसर कीज ऑफ बीएड एंट्रेंस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो ये वाला आपका पिछला बार वाला है, ठीक है, जो कि आपका 26 तारीख के आसपास जो है वो इसको रिलीज किया गया था। इसी तरह आपको जो है वो यहाँ पे नया कॉलम में देखने को मिलेगा, उसमें लिखा होगा रिवाइज्ड और फाइनल आंसर की जो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसमें भी आपको चारों सेट का आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आप लोग यहाँ के जितने भी अपडेट हैं PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। तो यही छोटी सी जानकारी आपको देना था इस वीडियो के माध्यम से। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी, ठीक है। और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जैसे ही झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको जो है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। और अगर आप स्टार्टिंग से इस चैनल से जुड़े होंगे और अगर आप अपना रिजल्ट जो है वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है वो कमेंट बॉक्स में एक गूगल फॉर्म को पिन किया गया है, वहाँ पे जो है वो आप लोग अपना रिजल्ट को शेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आप लोग बता सकते हैं कि RKM स्टडी सेंटर का आपके रिजल्ट में जो क्या योगदान रहा, आप अपना एक्सपीरियंस फीडबैक जो है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।